हाय फ्रेंड्स, दिस इज काव्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फेमस डिशेस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही झटपट से बनने वाली चिकन दम बिरयानी। इस दिन बिरयानी बनाने के लिए आपको घंटों किचन में रुकने की ज़रूरत नहीं है, बस झटपट से आपने मिक्स कर दिया और दम पे चढ़ा दिया और बस 45 मिनट्स में आपकी चिकन बिरयानी रेडी। और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आइए चेक करते हैं उसके इन्ग्रीडियंट्स, उसके बाद उसकी रेसिपी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल बटन दबाना भी ना भूलना, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। यहाँ मैं ले रही हूँ 350 ग्राम बासमती राइस, जिसे मैंने आधे घंटे पानी में भिगो के रखा था और अभी मैंने उसे ड्रेन कर लिया है। 350 ग्राम मैंने यहाँ पर चिकन लिया है। यहाँ पर मैंने 4 से 5 प्याज जो है उसे ब्राउन करके अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन कर लिया है। 2 से 3 टमाटर हमने स्लाइस कर लिए हैं। यहाँ मैंने कुछ पुदीना लिया है, पुदीना के पत्ते, थोड़ा पुदीना मैंने काट कर रखा है, थोड़ा धनिया भी काट कर रखा है। तेल लेंगे लगभग 4 से 5 टेबलस्पून, एक नींबू का रस, एक बड़ा चम्मच हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा हम लेंगे घी, 4 टेबलस्पून मैंने लिया है दही, कुछ हरी कटी मिर्च, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, तेज पत्ता, कुछ दालचीनी, एक स्टार एनिस लिया है, आधा चम्मच हम लेंगे हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच लेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और कुछ लौंग लिया है यहाँ पर मैंने, उसके साथ साथ कुछ काली मिर्च भी। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। सबसे पहले हम बड़ा वेसल लेंगे जिसमें हम बिरयानी बनाएंगे, उसी बर्तन में हमें चिकन को मैरिनेट करना है। चिकन में हम डालेंगे लगभग 3/4 हिस्सा जो हमने फ्राइड किया हुआ प्याज था वो डाल देंगे, थोड़ा हम निकाल के रखेंगे, बाद में हम इसे यूज़ करेंगे। और डालेंगे टमाटर, फिर इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया, धनिया भी पूरा नहीं डालना है, थोड़ा निकाल के रखना है, कटा हुआ पुदीना ये भी हम थोड़ा निकाल के रखेंगे, ये बाद में हमें काम आएगा। इसके साथ हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, फिर इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, लगभग 3 से 4 टेबलस्पून हम दही डालेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, ऑयल डालेंगे लगभग 3 से 4 टेबलस्पून और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, मिक्स करेंगे हाथों का ही इस्तेमाल करते हुए, अच्छे से मिला लेंगे। हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, अब हम इसे 30 मिनट्स के लिए, आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है हम राइस उबाल लेते हैं। यहाँ पर हमें राइस को पूरी तरह नहीं पकाना है, बस 50% ही पकाना है। इसके लिए मैंने लगभग 1.5 लीटर पानी एक बड़े से बर्तन में लिया है, उसमें मैं डालूँगी घी, 2 से 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे, आप आपके मनचाहे मसाले डाल सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेवर पसंद है आप उसके हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसे एक अच्छा उबाल आने तक हम बॉईल करेंगे। मैंने फ्लेम को हाई पे रखा है ताकि वो जल्दी से उबाल आ जाए उसमें, साथ साथ हम इसमें नमक डालेंगे, नमक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि वो राइस में अच्छे से पकड़ लें। अब देख सकते हैं अच्छे से उबाल आ चुका है अभी पानी में। जब उबाल आए तब हम उसमें ला लेंगे नींबू का रस,
और उसके साथ साथ हम जो हमने राइस रखा था सोक करके वो भी ऐड कर रहे हैं उसमें, और इन सब चीज़ों को हाई फ्लेम में ही अभी हमें बॉईल करना है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नींबू का रस, नमक सब अच्छे से मिल जाए। थोड़ा सा पानी मैं निकाल के रख रही हूँ, ये हमें बाद में काम आएगा, मैं आपको बताऊँगी कब हमें इसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक उबाल आ चुका है, इसे आप लगभग इसी तरह से हाई फ्लेम में एक 4 से 5 मिनट तक उबालिए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने ऑफ कर दिया है और डायरेक्टली मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, ये प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो कीजिए। मेरे राइस पूरी तरह नहीं पके हैं, बस 50% ही पके हैं। अब ये जो मसाला है मैंने जो रेस्ट करने रखा है उसके ऊपर मैं गर्म पानी जो है जो मैंने निकाल के रखा था वो थोड़ा सा डाल रही हूँ, और उसके ऊपर तुरंत ही हम गर्मा गर्म ये जो राइस है वो ऐड कर रहे हैं। जो हमने पानी गर्म डाला है बस 1/4 कप ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। फ्लेम मैंने अभी तक ऑन रखा नहीं है, पहले हम दम की तैयारी कर लेते हैं और फिर फ्राइड अनियंस जो हमने बाकी रखा था वो ऊपर से डाल रहे हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ों से अच्छा एक फ्लेवर आता है बिरयानी में। अब हम इसे ढककर, मैंने लो फ्लेम पे अभी इसे रखा है, लेकिन इससे पहले हम इसके नीचे एक तवा रखेंगे। इस बात का ध्यान दीजिए कि तवा काफ़ी पतला ना हो, इस तरह का जाड़ा तवा हो, और पहले हम 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम में रखेंगे और 5 मिनट्स बाद हम इसे लो, काफ़ी लो फ्लेम में रखकर 45 मिनट्स के लिए पकाना है। इस 45 मिनट्स के बीच में आपको इसे नहीं खोलना है या इसका फ्लेम हाई नहीं करना है, बस 45 मिनट्स एग्जैक्टली आपको लो फ्लेम में रखना है। 45 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसे ओपन कर रहे हैं। वाओ, हमारी बिरयानी, दम बिरयानी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। उसका राइस आप देख सकते हैं और पूरी तरह से पक चुका है। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। आप देखिए, राइस बिल्कुल खिले खिले आए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चिकन अच्छे से पक चुका है, मसाले की अच्छी खुशबू आ रही है, राइस भी काफ़ी खिले खिले आए हैं। अब बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तुरंत बन जाती है, ज़्यादा प्रोसीजर्स नहीं है। बिल्कुल ट्राई कीजिए, आपके वैल्यूबल कमेंट शेयर कीजिए, ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमने इस रेसिपी में जो भी यूटेंसिल्स यूज़ किए हैं उसके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।